हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज किंगडम। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। ऐसे कई वीडियोस और कई वीडियो अपडेट्स हर एग्ज़ाम्स के बारे में आपके पास आते रहेंगे, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साइड में जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी नया वीडियो आएगा वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा उसका आपके मेल में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इस एग्ज़ाम में हम देखेंगे SSC MTS नॉन टेक्निकल जो एग्ज़ाम हो रहा है, जो स्टार्ट है अभी, जो चलेगा 31 अक्टूबर तक, उसका एनालिसिस। बात शुरू करते हैं एंट्री से। ऐसा बहुत सारे सेंटर्स में हो रहा है कि 3 या 4 लेवल की चेकिंग हो रही है। चेकिंग मतलब ऐसी हो रही है, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग में आपका सब कुछ चेक कर रहे हैं। अभी पता चला है कि कान में टॉर्च मार के, लाइट मार के देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि कहीं ब्लूटूथ तो नहीं है, मतलब इतनी स्ट्रिक्ट चेकिंग हो रही है। तो संभल के जाइएगा, चेकिंग से ही आपको झटका लगना शुरू हो जाएगा। एंट्री करते हैं एग्ज़ाम के समय। एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा इजी आ रहा है। हर शिफ्ट में आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो इस बार जिस तरह की वैकेंसीज़ है और जिस तरह लोगों ने अप्लाई किया है और जिस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, उससे कट ऑफ काफ़ी हाई जाने वाला है। तो कट ऑफ जो जाने वाला है वो देखते हैं किन चीज़ों पर निर्धारित है। जैसे इस साल एग्जामिनेशन पैटर्न चेंज हुआ है, तो इस बार टाइम लिमिट सिर्फ 90 मिनट्स की है, इसके पहले 120 मिनट्स था। तो हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का टाइम आपको कम दिया गया है। और एग्ज़ाम की डिफ़िकल्टी लेवल, जो कि इजी टू मॉडरेट है हर शिफ्ट में, वो भी कट ऑफ को थोड़ा ऊपर लेके जाएगी। इस साल वैकेंसीज कम हुई है, तो उसके वजह से भी कट ऑफ थोड़ा हाई जाएगा। और पिछले साल का अगर एनालिसिस किया जाए तो उस हिसाब से भी ये जो कट ऑफ है, हर रीजन टू रीजन, हर स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा। हर स्टेट में ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10 मार्क का अंतर होगा, 5 to 10 मार्क्स या 5 to 15 मार्क्स का डिफरेंस होगा हर स्टेट के बीच में, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो चलिए नज़र डालते हैं कट ऑफ्स पर। तो जैसे कि मैंने कहा था कि एग्ज़ाम का लेवल बहुत ही ईजी है, ईजी टू मॉडरेट है, इस बार कट ऑफ इसलिए हाई जा रहा है। जनरल के लिए ये कट ऑफ हो सकता है 105 से 115 मार्क तक। जैसे कि आप जानते हैं कि 100 क्वेश्चंस थे और 150 मार्क्स का पूरा पेपर था, एक क्वेश्चन 1.5 मार्क्स का था, तो अराउंड जनरल का कट ऑफ जाएगा 105 to 115, मतलब आपके 70 क्वेश्चन से ऊपर करेक्ट होने ही चाहिए। ओबीसी के लिए ये कट ऑफ हो सकता है 100 to 110, मतलब आपके कम से कम 65 क्वेश्चन राइट होने ही चाहिए, 65 से ऊपर ही होने चाहिए। एससी का कट ऑफ हो सकता है 90 to 100, मतलब आपके एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के 60 क्वेश्चन कम से कम राइट होने ही चाहिए। एसटी का कट ऑफ जा सकता है 80 to 95, ये स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा जहाँ पे वैकेंसी होगी। और एक्स सर्विस मैन का कट ऑफ जाएगा 60 प्लस कितना भी हो सकता है, 62, 65, 70, इससे ऊपर नहीं जाएगा, 70 से ऊपर नहीं जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, जितने भी अपडेट्स आएंगे आपको सब मिलते रहेंगे। थैंक यू।